Eu अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और खूब पढ़ाई में इन्वॉल्व होंगे आज हम अपना ट्वेंटी सेवन्थ लैक्चर जो है वो कवर करेंगे और आज का जो लेक्चर है ये पर्टिकुलरली फोकस करेगा कोर्स ऑफ क्लिनिकल इंटरवेंशन पे इन अदर वर्ड्स क्लिनिकल इंटरवेंशन से मुराद साइकोथेरेपी है तो साइकोथेरेपी यू नो इसका एक अपना प्रोसेस है एक अपनी एक एक अपना डेवलपमेंट होती है इस प्रोसेस की तो आज मैं ख़ास तौर पे उस हवाले से बातचीत करना चाहूँगा ताकि आप लोगों को कुछ ये अंदाज़ा हो सके कि जो साइकोथेरेपी का जो प्रोसेस है ये ये जो एक्सपीरियंस है ये किन फेजेस में से गुज़रता है और हम किन चीज़ों से गुजरते हैं सबसे पहली बात जिसका जिक्र मैं करना चाहूँगा वो इनिशियल कांटेक्ट है इनिशियल कांटेक्ट से मुराद ये है कि जब कोई भी क्लाइंट या पेशेंट हॉस्पिटल में आता है या क्लिनिक में आता है तो इनवेबली ही इज यू नो ही इज नॉट वेरी एजुकेटेड अबाउट व्हाट साइकोथेरापी इज ऑल अबाउट सो देअ उसके जेन में बेशुमार सवाल होते हैं तो हमें एज थेरापिस्ट उन सवाल को अटेंड करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है तो कई दफ़ा हमारे पास पेशेंट्स आते हैं यू you नो know, वो ऐसी कंडीशंस लेके आते हैं लेट से डिप्रेशन है वो डिप्रेस है और उन्हें नहीं पता होता कि आया ये जो डिप्रेशन है ये आया उनको है क्या प्रॉब्लम क्या है उनको इतनी एनजाइटी नहीं होती फिर उनके बेशुमार जो सवालत होते हैं वो इस प्रोसेस के अराउंड होते हैं कि जी ये जो इलाज है ये ये किस तरह किया जाएगा तो हमें ये भी उन्हें समझाना होता है ये भी बताना होता है कि ये जो इलाज है ये किस तरह कैरी आउट होगा इसी तरह वो हमसे कई दफ़ा ये पूछते हैं कि जी आप दवाई भी हमें देंगे या सिर्फ बातचीत के जरिए इलाज करेंगे तो यू नो वी हैव टू टेल देम कि नहीं हमारा काम एज साइकोथेरापिस्ट जो है वो दवाई देना नहीं है वो बेसिकली चीज़ों को बातचीत के जरिए से रिज़ोल्व करना और हल करना है फिर कई दफ़ा यू नो दे वांट टू नो कि कितने सेशंस रिक्वायर्ड होंगे ये प्रोसेस जो है ये कितना लंबा होगा तो इसमें भी आ, हमें फिर उन्हें बताना पड़ता है कि एक अंदाज़ा हमें देना होता है कि ये प्रोसेस कितना लंबा होगा इसी तरह वो कई दफ़ा उनको ये डर होता है कि जी ये जो हमारी इन्फॉर्मेशन जो हम आपसे शेयर करेंगे ये किसी और को पता तो नहीं चल जाएगी तो हमें उनको तसल्ली देनी होती है कि वट एवर शेयर हेयर इन द सेशन इज़ गोइंग टू स्टे विद आस एंड इट्स गोइंग टू बी कॉन्फिडेंशल क्योंकि अक्सर अक्सर उकत ये क्लाइंट्स जो हमारे पास आते हैं ये उनका एक नया नया एक्सपीरियंस होता है उनको उ, उनको इसके अराउंड पहले कोई ऐसा पास एक्सपीरियंस नहीं होता तो उनके जितने भी सवालात हैं उनको अटेंड करना बहुत ज़रूरी होता है फिर इसी तरह इनिशियल कांटेक्ट में ही हम उन्हें यह भी बताते हैं कि अगर हमें महसूस हुआ कि उनको मेडिसिन की भी ज़रूरत है तो फिर हो सकता है हम उनको यू you नो know, किसी साइट्रिस्ट के पास या किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास रिफ़र करें तो ये भी हम उन्हें बताते हैं इसी तरह हम उन्हें यह भी बताते हैं कि अगर कोई ऐसी चीज़ हुई कि जिसमें किसी और को किसी और कंसल्टेंट की ज़रूरत हुई तो हम वहाँ पर भी हम उन्हें रिफ़र करेंगे तो ये इनिशियल कॉन्टेक्ट जो है ये एक आप समझ लीजिए एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें के हमें एक रेपोड बिल्ड करना होता है हमें अपने क्लाइंट के साथ एक रिलेशनशिप का आगाज़ एक किस्म का हम कर रहे होते हैं तो आगाज़ में ये बड़ा ज़रूरी है कि क्लाइंट जो है वो हमें यू you नो know, हमें ट्रस्ट कर सके वो ये समझे उसे ये फीलिंग हमसे मिले कि यू नो हम वाकई उसकी हेल्प करना चाहते हैं हम वाकई उसमें इंटरेस्टेड हैं उसके वेलबींग well में और मैं आपको इस वक्त ये भी बताता चलूं कि एज इस प्रोसेस के इस हिस्से में ये बहुत जरूरी होता है कि आप अपने क्लाइंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें अंडरस्टैंडिंग से मेरी मुराद यही है कि उसकी नीड्स को समझने की कोशिश करें पहचाने के वट इज ही रियली वांटिंग फ्रॉम यू वाई एज यू कम टू कम टू यू यू नो क्या चीज़ें वो चाहता है आपके साथ अचीव करनी इसी तरह एक और चीज़ जो इस जंक्शन पे मैं आपको ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा वो ये है कि ट्राई नॉट टू बी जजमेंटल ये बहुत ज़रूरी होता है ये इनिशियल कॉन्टेक्ट में कि रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू नो आप साइकट्रिस्ट हैं आप साइकोथेरापिस्ट हैं आप सोशल वर्कर हैं यू नो जो भी हैं बट आप जब उसके साथ बैठते हैं उसके साथ उसकी हिस्ट्री लेते हैं उससे ये प्रोसेस इनिशिएट करते हैं तो इस प्रोसेस में ये बहुत ज़रूरी है कि आपके क्लाइंट को एक बहुत क्लियर मैसेज आपकी तरफ से मिले और वो मैसेज क्या है वो मैसेज है कि आप वहाँ पे उसके ऊपर कुछ जजमेंट पास करने के लिए नहीं बैठे हुए आप इसलिए नहीं बैठे हुए कि आप कहें कभी ये तुम काम बड़ा गंदा करते हो ये तो बड़ा बुरी बात है तुम्हें ये नहीं करना चाहिए बड़ा गुना होगा इस चीज का आई मीन वी आर नॉट देयर टू पास जजमेंट्स ऑन पीपल वी आर देयर बेसिकली टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग टू हेल्प देम अचीव इन लाइफ एंड यू नो ताकि लाइफ में वो जो चीज़ें चाहते हैं अचीव करना फुल उनकी जिससे फुलफिलमेंट लाइफ में आए जिससे उनकी जिंदगी जो है वो आगे चले क्योंकि इनवेबली वो हमारे पास क्यों आते हैं इनवेरेबली वो हमारे पास इसलिए आते हैं ये इनिशियल यू नो मीटिंग में बड़ा वाजे हो जाता है कि उनको कुछ मसले होते तो लिहाजा उन मसलों की आइडेंटिफिकेशन जो है वो एक बहुत बड़ा यू नो ऑब्जेक्टिव होता है इस इनिशियल कॉन्टेक्ट में तो हम इनवेरेबली फिर अपने क्लाइंट से पूछते हैं हम कहते हैं कि अच्छा आप यहाँ आए हो हमारे पास तो कुछ ना कुछ तो यू uh, नो you know, कुछ गोर्ज आपके जेन में होंगे कुछ ना कुछ आप चीज़ें आइडियाज लेके आए होंगे तो फिर वो हमसे हम कुछ आइडेंटिफाई कराते हैं गोज भी जो वो ले हमारे पास आए इसी तरह इसी प्रोसेस में हम इस चीज़ को भी ख़ास तौर पर जेन में रखते हैं कि क्लाइंट जो हमारा है ये ज़्यादा कंप्लेन तो नहीं कर रहा चीज़ों के अराउंड कि आया ये अपनी जिंदगी के मसलों को के अराउंड इसकी इनसाइट कितनी है तो ये तो नहीं है कि ये कहता हो कि जी ये जो मेरा मसला है ये मेरे पेरेंट्स की वजह से है और ये जो मेरा मसला है ये मेरे सुपीरियर्स की वजह से है या मेरे बॉसिस की वजह से है कि उनको मेरे बारे में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो मुझे अंडरस्टेंड नहीं करते तो कई दफ़ा ये भी होता है कि, आ, कि जो क्लाइंट होता है वो एक किस्म का कॉन्स्टेंट कम्पलेंर होता है तो अगर हमें यह लगे कि क्लाइंट जो है वह कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करने वाला है और मसले जो हैं और प्रॉब्लम्स जो हैं उनको अपनी ज़ात से बाहर यू you नो know, वो देखता है और अपने आप को वो यू नो रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराता था। तो इसका मतलब है कि उसको अपने मसलों के बारे में इतनी इंसाइट नहीं है तो ये भी हम एक मेंटल नोट इस चीज़ का भी कर लेते हैं तो ये सब चीज़ें जेन में रखते हुए फिर हम इसको आगे इस चीज़ को ले चलते हैं और अगला जो स्टेप होता है वो असेसमेंट का होता है तो अब आप आई एम श्योर sure, जानना चाहेंगे कि ये असेसमेंट क्या है ये असेसमेंट जो है ये बेसिकली ये जानना है कि क्लाइंट जो है इसके इश्यूज़ और कंसर्न्स क्या है और असेसमेंट करने के लिए हम कई चीज़ें कई इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं इसमें सबसे पहली चीज़ जो मैं इसका जिक्र करना चाहूँगा वो बेसिकली यू नो हिस्ट्री टेकिंग है कि हम उसकी जो हिस्ट्री है उसकी फिजिकल हिस्ट्री उसकी साइकोलॉजिकल हिस्ट्री उसकी सोशल हिस्ट्री फिर हम इन सब एलिमेंट्स को प्रोब करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इसी तरह हिस्ट्री लेने के बाद फिर हम ये डिटरमिन करते हैं कि अच्छा इसके जो कंसर्न्स हैं उनकी नेचर को जेन में रखते हुए हम ये डिटरमिन करते हैं कि आया कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट देने की ज़रूरत तो नहीं जब मैं बात साइकोलॉजिकल टेस्ट की करता हूँ तो मैं ख़ास तौर पे पर्सनालिटी टेस्ट की बात में मेरे आती है इसी तरह यू you नो know, ये चीज़ भी जेन में मेरे आती है कि अच्छा पर्सनालिटी टेस्ट के अलावा अगर फॉरस अगर आप किसी बच्चे से डील कर रहे हैं तो आया उसके जो इश्यूज हैं उनमें कोई बिहेवियर को टेस्टिंग की ज़रूरत तो नहीं कोई एकेडमिक टेस्टिंग की ज़रूरत तो नहीं तो ये सब कुछ जो है ये भी डिटरमिन करना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि वट शॉर्ट ऑफ़ एन असेसमेंट इज़ टू बी डन ये जो असेसमेंट है ये हमें बेशुमार ऐसा और मटीरियल और डेटा प्रोवाइड करती है जिससे कि हमें अपने क्लाइंट की जो स्ट्रेंथ्स हैं और जो लिमिटेशन हैं वो वाजे तौर पर सामने आ जाती हैं ये जो नीड्स जो है जब ये वादे तौर पर सामने आती हैं तो फिर उसकी बेसिस पे यू you नो know, हम कुछ मीनिंगफुल यू नो गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो हैं वो अपने लिए इस्टेब्लिश करते हैं हम ये डिटर्मिन करते हैं कि आया अब किस किस्म का आगे काम इससे करने की ज़रूरत है इसमें चीज़ें बेसिकली जो है वो आइडेंटिफाई होती हैं असमेंट के थ्रू ये जो आइडेंटिफिकेशन है इसमें ये भी हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो उसके जो कंसर्न्स हैं आया वो बिहेवर हैं इन नेचर या आया वो पर्सनैलिटी उनकी इन्वाल्ड है ऑफिससिव है इन नेचर लट से मिसाल के तौर पे, कंपर्सिव है इन नेचर या यू नो उनमें इन्साइट की कमी है इसी तरह फिर हम ये भी इसमें डिटरमिन करते हैं कि अगर अब हमारे क्लाइंट के जो कंसर्नस हैं उनमें कुछ फाइनेंशियल इशूज़ हैं कुछ सोशल ईशूज भी इन्वॉल्व हैं तो हो सकता है कि हम उस सूरत में आ, हम ये भी तय कर लें कि हमें किसी सोशल वर्कर को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है बेसिकली ये जो असमेंट है इसका जो मकसद है वो क्लाइंट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हुई हो उसको एक मीनिंगफुल शक्ल देके और जिसमें कि उसकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल को भी देखा जाए उसकी इमोशनल प्रोफाइल को भी देखा जाए उसके इन्वामेंटल फैक्टर्स को भी जेन में रखा जाए और अगर कोई यू नो मेडिकल ट्रीटमेंट की या मेडिसिनल या, या साकेट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत है उस नीड को भी जेन में रखा जाए तो फिर उसको लेके यू नो जो थेरेपिस्ट है वो आगे चलता है और आगे चलने से मुराद मेरी ये है कि कुछ वो अपने अपने लिए कुछ गोल्स जेन में डेवलप करता है ये जो गोल्स हैं ये ये सिर्फ थेरेपिस्ट अपने जेन में नहीं रखता बल्कि उनको स्पेल आउट करता है उनको शेयर करता है अपने क्लाइंट के साथ और वो उन उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई करता है क्लाइंट के साथ कि यू नो दिस सीम टू बी योर नीड्स ये तुम्हारे इश्यूज हैं you know, instance, say, यू नो फॉर इंस्टेंस लेट से कि मिसाल के तौर पे यू you नो know, अथेरपिस में से कि मुझे आज की इस सेशन से ये नज़र आया कि यू हैव रिलेशनशिप इश्यूज विद योर पेरेंट्स फॉर इंस्टेंस एंड देट आर अपसेटिंग यू और कॉजिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस और डिस्ट्रेस फॉर यू तो यू you नो know, फिर उसको इंसान उसको ले हम आगे चलते हैं उसके इसमें थेरेपी में एक चीज़ जिसका बहुत ख्याल रखा जाता है वो ये है कि हर लमे हर लेवल पे क्लाइंट की एक किस्म की कंफर्मेशन उससे लेनी होती है इन अदर वर्ड्स यू नो हमें चीज़ों को कई दफ़ा यू नो देर टू बी एन एग्रीमेंट द क्लाइंट कि जो आप चीज़ कह रहे हैं आया क्लाइंट भी वो उस तरह देखता है या नहीं देखता या जब कोई क्लाइंट कोई स्टेटमेंट देता है तो आप उसको कई दफ़ा चेकआउट करते हैं एज अ थेरापिस्ट के वेदर यू अंडरस्टुड द स्टेटमेंट वेल ओ नॉट यू नो क्योंकि कई दफ़ा यू नो ये होता है कि अगर हम सिर्फ अपनी असमशंस पे ऑपरेट करें तो फिर कई दफ़ा वी कैन बी यू नो वी कैन हैव अ फॉल्टड परसेप्शन अराउंड वॉर द क्लाइंट मैंट तो देव फॉर थेरापस्ट जो होता है वो हमेशा चीज़ों को क्लाइंट से चेकआउट करता है तो ये एक किस्म का क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इस प्रोसेस को कहते हैं कि जी यहाँ पे नेगोशिएशन ही चल रही होती है इन अदर वर्ड्स नेगोशिएशन का मतलब यही है कि यू you नो know, आप चीज़ें चेकआउट करते हैं क्लाइंट से और उसके अराउंड नेगोशिएशन हो रही होती है कि भाई ये बात ऐसे है या नहीं है ऐसे सो so, ये नेगोशिएशन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है और साथ साथ मुख्तफ गोल्स जो है वो आप अपने क्लाइंट को कहते हैं कि वो सेट करें आज के सेशन के लिए जेन में आप ये रखें कि जो गोल्स होते हैं जो सेट हो रहे होते हैं साथ साथ ये कोई एप्सोलूट गोल्स नहीं होते ये गोल्स जो होते हैं ये इनवेरिबली उस सेशन के लिए गोल्स तय हो रहे होते हैं या ज्यादा से ज़्यादा कोई अगले एक दो सेशंस के लिए हो सकता है गोल्स तय हो जाए इनवेरिबली जो साइकोथेरेपिस्ट हैं वो उतने गोल्स एस्टैब्लिश करते हैं जितनों को वो उस सेशन में कवर कर सके उनको उस सेशन में कवर करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है तो लिहाजा जो जो ये रिलेशनशिप डेवलप होता है बिल्ट होता है तो तू, तू ग भी यू नो रिफॉर्मुलेट किए जाते हैं रिवाइज़ किए जाते हैं और उनको भी एक्सपेंड किया जाता है ये बड़ा खूबसूरत प्रोसेस है थेरेपी का क्योंकि इसमें जो रिलेशनशिप है और जो ट्रस्ट जो है जो थेरापटिक अलाइंस जो है वो एक किस्म का लाइसेंस है आप कह लीजिए मैं तो बल्कि अपने क्लाइंट्स को कई दफ़ा ये भी मिसाल देता हूँ कि ये जो साइकोथेरेपी का जो प्रोसेस जो इस स्टेज पे होता है इट इज़ लाइक ए अनियन आपने प्याज तो देखा होगा ना तो प्याज को जब हम काटते हैं छीलते हैं तो पहले ऊपर का लेयर जो होता है वो छिलका उसको उतारते हैं उसके बाद जब हम उसको काटते हैं तो उसके अंदर कई लेयर्स होते हैं तो इनवेरिबली हमारी जो साइकी है हमारा जो माइंड है उसके भी इसी तरह कई लेयर्स होते हैं थॉट्स के कॉग्निशंस के तो ये जो प्रोसेस थेरेपी का होता है इसमें हम एक एक करके यू नो वी पेनेट्रेट वी यू नो वी प्रोब एंड एक्सप्लोर द टॉप लेयर सबसे पहले उसके बाद यू नो वी मूव ऑन टू दैकेंड लेयर दैन वी मूव ऑन टू द थर्ड लेयर वी मूव ऑन टू द फोर्थ लेयर तो जो जो गहराई जो जो हम डीपर ह्यूमन साइकी में जाते हैं तू तू डीपर इशूस डीपर नीड्स डीपर कॉन्फ्लिक्स यू नो जो अंदर हमारे चल रही होती हैं वो अवेयरनेस में आनी शुरू हो जाती हैं वो सर्विस होनी शुरू हो जाती हैं और इसी इसी प्रोसेस में फिर वी नो वी स्टार्ट टू वर्क ऑन देम जिन में आप ये रखें कि इस जंक्चर पर जो साइकोथेरापिस्ट के गोल्स होते हैं उनको हम चार मुख्तलफ अंदाज़ में हम उनको देख सकते हैं पहला उनका जो अंदाज़ होगा देखने का वो क्राइसिस इंटरवेंशन का होगा सो इन अदर वर्ड्स आप ये समझ लें कि जो पहला लेवल है इसका गोल सेटिंग का उसमें आप ये तयन करते हैं कि आपका जो क्लाइंट है वो किसी क्राइसिस सिचुएशन में तो नहीं है इसकी मैं मिसाल यूँ दूंगा कि लट से कि आपके पास एक क्लाइंट आता है जिसको इंसिपियन साइकोसिस होता है आ, वो या वो एक ऐसे इम्पल्सिव बिहेवियर मैनिफेस्ट कर रहा होता है या ऐसी यू नो बहुत अग्रेसिव हो जाता है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है अपने एग्रेशन में आई I मीन mean, ये कुछ ऐसी या यू नो उसको सुसाइडल थाट्स आने शुरू हो जाते हैं और वो कहना शुरू कर देता है कि मैं तो यू नो आई टू तो किल माई सेल्फ तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसको हम क्राइसिस मैनेजमेंट का या क्राइसिस सिचुएशन का नाम देते हैं तो क्राइसिस सिचुएशन में जब आपके पास यू you नो know, हमारे पास कोई क्लाइंट आता है या जब आप साइकोलॉजिस्ट होंगे और थेरेपिस्ट होंगे या जब आपके पास कोई क्लाइंट आएगा तो आप ये डिटर्मिन करेंगे कि भाई आया इसकी ये क्राइसिस में तो नहीं है क्योंकि जब क्राइसिस में वो आपके पास आएगा तो फिर क्राइसिस इंटरवेंशन जो है वो करनी पड़ेगी तो क्राइसिस इंटरवेंशन क्या होती है क्राइसिस इंटरवेंशन सबसे पहले तो ये होती है ये डिटर्मिन करना कि आया इस क्लाइंट को इस वक्त हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत तो नहीं इसको घर में से निकालने की या उस अनवायॉयरमेंट में से निकालने की ज़रूरत तो नहीं जिसमें वो है इस वक्त जहाँ पे उसको यू नो जहाँ पे वो क्राइसिस में गया है तो इनवेरिबली क्राइसिस इंटरवेंशन में कई दफ़ा हमें क्लाइंट को यू नो या किसी आउट पेशेंट क्लिनिक में एडमिट करना की ज़रूरत पड़ जाती है या हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ जाती है या राइट वे यू नो देखने की ज़रूरत पड़ जाती है तो जेन में एक चीज़ ये भी रखें कि क्राइसिस में जब आपके पास कोई कॉल आती है तो आप जब आप इस आपको यह अंदाजा हो जाए कि द पर्सन इज़ इन अन् यू हैव टू सी इम राइट वे फिर आप उसको कल का टाइम नहीं देंगे फिर आप इसे ये नहीं कहेंगे जी आज तो मैं बिज़ी हूँ आई कॉन्ट सी यू टू डे इफ इट ऑल यू आर वेरी बिजी डैट डे दैन यू सी टू इट कि आप किसी और के पास उसको टाइम ले दें ये ना किसी अपने कॉलीग को फ़ोन कर दें कि भाई आई वॉन्ट यू टू सी टुडे कैन यू अकोमोडेट हिम टुडे तो इनवेरेबली कॉलिग जो होते हैं वो एक दूसरे को अकोमोडेट कर लेते हैं तो ये तो हो गया क्राइसिस इंटरवेंशन का दूसरा जो गोल होता है वो इन्वेरेबली ये होता है देखना कि आया जो नीड है वो कोई बिहेवियर चेंज की तो नहीं है बिहेवियर चेंज से मेरी मुराद है कि जब हमें अक्सर उकात ये नज़र आता है कि कुछ ऐसी हैबिट्स चल रही हैं you know which are causing problem for the person smoking could be a habit you know and he's a or smoking ki wajah se ya, ya drug abuse could be a habit for a person he's addicted to it and therefore you know that is causing a problem so phir hum invariably uh, you know the, you know, we, we, then we, we 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 provide behavior therapy in situation mein behavior change is what is required इसी तरह एक तीसरा जो चीज़ जो मॉनिटर की जाती है कि वो ये है कि कहीं आपके क्लाइंट को करेक्टिव इमोशनल एक्सपीरियंस की ज़रूरत तो नहीं करेक्टिव इमोशनल एक्सपीरियंस से मेरी मुराद ये है कि कहीं ये तो नहीं हो रहा कि उसको रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ रहे हैं अक्सर अवकात ये हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे यू नो स्पाउज को प्रॉब्लम अपने मियाँ से आ रहा है बीवी से आ रहा है या बच्चों को यू नो टीचर से आ रहा है या वालदेन से आ रहा है तो ये वो सिचुएशन हैं यहाँ पे यू नो रिलेशनशिप थेरेपी जो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को बिल्ड किया जाता है इंटरपर्सनल फैमिली थेरेपी या रिलेशनशिप थेरेपी यू नो यूज़ की जाती है टू हेल्प पीपल टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन दैट दे आर फेसिंग इसी तरह एक और गोल जो थेरेपी का कई दफ़ा होता है वो क्लाइंट में इनसाइट बिल्ड करना और चेंज लाना होता है ये टिपिकली वो सिचुएशन होती है जहाँ पे क्लाइंट हमारे पास आता है और यू you नो know, वो अपने फीलिंग्स और इमोशंस हमसे शेयर करता है और लेट्स से कि द क्लाइंट यू नो उसकी बातों से ये वाजे होता है किज हीज़ अंडर गोइंग डिप्रेशन लेकिन एट द सेम टाइम यू नो हम ये भी रियलाइज करते हैं कि वो मोटिव स्टेट को तो हमसे शेयर कर रहा है लेकिन उसको इतनी इन्साइट नहीं है अपनी जात के बारे में उसको ये नहीं पता कि वाई इज ही डिप्रेस्ड ये होता है ऐसे कि कई दफ़ा यू नो वी आर वेरी एंशियस एंड अर्ब टाइट हम ये बड़े परेशान हुए होते हैं एजिटेटेड होते हैं गुस्सा आ रहा होता है हमें कई दफ़ा लेकिन हमसे हम जब पूछा जाता है यार क्या बात है यू नो इतने गुस्से में क्यों हो तो हमें नहीं एकदम से हमें रियलाइजेशन नहीं होती कि इतने गुस्से में हम क्यों हैं तो ये जो स्टेट्स होती हैं वहाँ पे इनवेबली यू नो इनसाइट ओरिएंटेड थेरेपीज़ जो हैं जैसा साइकोडानेमिक थेरेपी है कॉग्निटिव थेरेपीज़ है ह्यूमनिस्टिक थेरेपीज़ हैं आई मीन ये जो थेरेपीज़ हैं जो इनसाइट बिल्ड करती हैं जो इंसान को अपने बारे में अवेयरनेस बिल्ड करती हैं यू नो वो दे आर वेरी हेल्पफुल क्योंकि पर्पस क्या होता है इन सब चीज़ों का इन सब चीज़ों का पर्पस जो है वो यही है कि वी आर एबल टू हेल्प आर क्लाइंट टू मूव टू अ मोर फुलफिल्ड लाइफ हमारे क्लाइंट्स को यह पता चल सके कि वो अपनी नो एनवायरनमेंट you know, में उनकी एडजस्टमेंट जो है वो ऐसी हो जाए कि यू नो दे आर एबल टू फील नरिश्ड एनवायरनमेंट, दे डोंट फील जैम्ड यू नो दे डोंट फील स्टक बिकॉज ऑफ दैट। तो अब मैं इस चीज़ को इससे थोड़ा और गोल से आगे ले जाना चाहूँगा और मैं बात करनी चाहूँगा इम्प्लीमेंटिंग ट्रीटमेंट की जब आपने असेसमेंट कर ली आपने हिस्ट्री ले ली यू you नो know, आपने कुछ गोल सेटिंग भी कर ली तो अब जो अगला लेवल आता है वो आता है ये डिटरमिन करने का कि जी व्हाट सॉर्ट ऑफ थेरेपी डू यू नीड टू यूज विद योर क्लाइंट अक्सर थेरेपिस्ट की एक इक्लेक्टिक एक अप्रोच होती है से मुराद है कि यू नो आई मीन देर वेल वर्स्ड इन मोर देन वन मोडलिटी ऑफ थेरेपी मतलब एक ट्रीटमेंट काउंसिल uh, मोडेलिटी से या ट्रीटमेंट स्ट्रैटी से ज़्यादा उनको आती होती है तो अगर हमें ये लगे कि यहाँ पे हमें यू you नो know, कुछ क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच की चीज़ें यूज करने की ज़रूरत है या कोई कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच की चीज़ें यूज करने की ज़रूरत है या कोई गटॉल्ट अप्रोच की चीज़ें स्ट्रेटजी यूज करने की जरूरत है दैन वी यूज दैट तो इन अदर वर्ड्स यू नो हम ये डिटर्मिन करते हैं कि वट काइंड ऑफ अ थेरेपी इज टू बी यूज विद द क्लाइंट अक्सर यू नो जो जो थेरेपिस्ट हैं वो इक्लेक्ट्रिक होते हैं अपने अप्रोच में बट देन देयर आर थेरेपिस्ट जो प्योरली एक मोडेलिटी को यू नो बड़ी रिलीजसली फॉलो करते हैं तो वहाँ पे फिर कई दफ़ा हमें ये देखना ज़रूरी होता है कि द थेरेपी द मोडेलिटी यू नो दैट वी आर यूजिंग या जो हमारी अपनी ट्रेंड इन इज दैट गुड इनफ फॉर द काइंड ऑफ प्रॉब्लम that we are dealing with agar hame lage ke ha ye jo modality jo use kar rahe, uh, you know that's good enough for us to phir you know we can continue working with the client Dekin agar hume, if at all hame ye lage ke, ke nahin, ye therapy jo hai, this is you know this is not adequate or this is not apt for the kind of problem that our client primarily has to us juncture pe ज़रूरी होता है कि हम फिर प्रेफरेबली उस क्लाइंट को किसी ऐसे थेरेपिस्ट के पास रेफर कर दें जो उस मोडेलिटी को यूज़ करता हो जिसकी ज़रूरत हो इसकी मैं मिसाल आपको यूँ देना चाहूँगा कि लेट से कि इफ़ यू आर डीलिंग क्लाइंट हु इज़ हैज सी डी न्यूरोसिस डिसऑर्डर उसको है और आप जो हैं अगर आप ये फील करते हैं कि उसकी ये जो कंपल्सिव थॉट्स हैं ये ये एरिया पे बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है तो हो सकता है और आप अगर लेट्स से ह्यूमनिस्टिक हैं यू नो अपनी ट्रेनिंग में ओरिएंटेशन में तो आप उसको रिफ़र कर देंगे किसी ऐसे ऐसे थेरेपिस्ट के पास जो ज़्यादा कॉग्निटिव बिहेवरल होगा अपने स्टाइल ऑफ वर्क में बिकॉज यू नो बिहेवर लेवल इंटरवेंशन जो है वो उसके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकती है तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें जेन में रखनी होती हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रीटमेंट के हवाले से तो जब ट्रीटमेंट हमारा का प्रोसेस जब यू नो कंप्लीट हो जाता है तो फिर द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट अथेरापिस्ट वै टू डी विद वो ये होते हैं कि भाई अच्छा अब आया वो जो गोल्स थे डैट वॉर सेट इन इन द प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट आया वो अचीव हो गए अगर आपको ये लगे कि हाँ अचीव हो गए हैं और आप चेकआउट करते हैं अपने क्लाइंट से बकायदा कि whether ही feels दैट इट्स दे हैव बीन अचीव or तो नॉट अगर ये लगे कि वो अचीव हो गए हैं तो फिर आप अपनी थेरेपी को टेपर ऑफ़ करना शुरू कर देते हैं टेपिंग ऑफ से मेरी मुराद ये है कि लेट से कि अगर आप मिसाल के तौर पर क्लाइंट को शुरू में वंस अ वीक आप बुला रहे थे तो फिर आप ये करते हैं कि वंस अ वीक की बजाय उसे वंस अ फोर्थ नाइट बुलाना शुरू कर देते हैं फिर उसको आप बुलाना शुरू कर देते हैं अक्सर अकात तो ये मुमकिन होता है कि क्लाइंट आपके साथ कंप्लाई करे और वो ग्रेजुअली इस प्रोसेस को यू टेपर ऑफ़ करने में आपका साथ दे कई दफ़ा ये भी होता है कि जब क्लाइंट महसूस करता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ तो वो बड़ी जल्दी से यू you नो know, थेरेपी के प्रोसेस को छोड़ देता है वो आपको इतना यू you नो know, वो इतना टाइम ही आपको या प्रोसेस को नहीं देता कि इसको ग्रेजुअली टेपर ऑफ किया जाए तो आई गेस यू नो देन वी हैव टू लिव विद दैट लेकिन कई दफ़ा ये भी होता है कि जहाँ पे क्लाइंट यू नो you know, आपसे कोऑपरेट कर, करे वहाँ पे हम फिर कई दफ़ा ये भी करते हैं कि जब थेरेपी को टर्मिनेट कर देते हैं तो हम कहते हैं कि भी कुछ बूस्टर सेशंस की बात कर लेते हैं बूस्टर सेशन से मुराद है कि हम कहते हैं कि अच्छा अब हम छः महीने के बाद आपको दोबारा देखेंगे तो छः महीने के बाद दोबारा देखने का जो पर्पज़ और मकसद होता है वो यही होता है कि थोड़ा सा फॉलो अप हो जाए या अंदाज़ा हो जाए कि भाई ये जो छः महीने का अर्सा था थेरेपी ख़त्म होने के बाद ये कैसा गुजरा यू you नो know, इसमें कोई ऐसे इशूज़ तो नहीं सामने आए दैट नीड टू बी अटेंडेड इसी तरह यू नो हम फिर दोबारा छः महीने के बाद बुला सकते हैं कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि हम जब छः छः महीने के बाद दो दफ़ा बुला लें और हमें तसल्ली हो जाए कि कि अब मज़ीद बुलाने की ज़रूरत नहीं तो फिर हम अपने क्लाइंट को ये कहते हैं कि अच्छा अब साल के बाद एक दफ़ा फ़ोन करके आ जाना ताकि थोड़ा सा टच वेस हो जाए तो उससे सिर्फ ये हो जाता है कि क्लाइंट को भी ये तसल्ली होती है कि दैरेपस्ट आई कैन ऑलवेज़ गो बैक टू द थैरेपिस्ट और थैरेपस्ट को भी ये तसल्ली होती है कि यू नो आफ्टर सिक्स मन्थ्स और अयर आई गेट अ चांस टू फाइंड आउट How you know the, how the client uh, you know, is behaving, how he is feeling, and is he has he been able to utilize his learnings in the therapy? Is he using those learnings outside in his life? And how is he overall dealing with his life? And now, I to tell you that whole process of, of psychotherapy the is a very important element. इन चीज़ों को लिखना भी है तो हम एज क्लिनिकल वी की टेकिंग डाउन नोट्स हर सेशन के नोट्स हम लिखते हैं और बाकायदा हर पेशेंट की एक फाइल बनाते हैं अब ये जो नोट्स हैं ये बेसिकली हमारे अपने यू you नो know, अपने लिए होते हैं आई मीन दे नॉट ऑफ़ कोर्स एज पावरफुल अ टूल और अ डेटा एज मे बी रिसर्च डेटा बट बट स्टिल इन टर्म्स ऑफ अ क्लिनिकल वर्क दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले तो अब हम आगे चलते हैं अपने सफ़र में और मैं थोड़ा सा बात इस जंक्शन पे करनी चाहूँगा कुछ उन एलिमेंट्स की जो कॉमन है साइकोथेरेपीज़ में पहला एलिमेंट जो कॉमन है वो है रिलेशनशिप बिटवीन द थेरेपिस्ट एंड द क्लाइंट ये एक बड़ा बेसिक एलिमेंट है ये सब यू you नो know, साइकोथेरेपी कॉमन है और जिस तरह मैंने आपको पहले आज भी जिस जिक्र मैंने किया था इनिशियल कॉन्टेक्ट पहले भी मैं कर चुका हूँ अपने लेक्चर्स में इसका जिक्र तो जेन में ये रखें कि ये जो ये ये जो रिलेशन बिल्डिंग है जो रेपो डेवलप करने वाला प्रोसेस है वो वो यही है क्योंकि साइकोथेरेपी एक वाद इंटरवेंशन की वो स्ट्रेटजी है जिसमें द क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप विद अ क्लाइंट हैज़ ए वेरी इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले सो देरफोर आप ये नहीं कर सकते कि आप अपने क्लाइंट से को यू यू डिसक और हेट योर क्लाइंट एंड देन यू एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू बी ए इफेक्टिव थेरापिस्ट ऐसे नहीं मुमकिन आपको यू नो बेसिकली एक अच्छा रिलेशनशिप एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप जिसका मकसद जो है वो क्लाइंट को हेल्प करना है आई I मीन mean, इसमें आपकी ज़ात का इनवॉल्वमेंट इस टाइप की नहीं होनी चाहिए लाइक like और डिसलाइक के चक्कर में यू नो कि आप आपके पास यू you नो know, एक किसी भी मज़हब का आदमी आए तो यू शुड बी एज ओपन इन एक्सेप्टिंग दैट पर्सन एज एज समबडी फ्रॉम योर ओन फेथ और फ्रॉम योर ओन एथनिक बैकग्राउंड यू नो अगर कोई uh, काला है या पीला है या नीला है, तो आई मीन दैट शुड नॉट बी द रीज़न फॉर यू नो यू हैविंग अ गुड रिलेशनशिप और अ वर्किंग रिलेशनशिप और नॉट हैविंग अ गुड रिलेशनशिप सो रिलेशनशिप बिटवीन द पेशेंट एंड द थेरेपिस्ट अनडाउटडली हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन ऑल साइकोथेरापिज दूसरा जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रेस्टोरेशन ऑफ द मुराल रेस्टोरेशन ऑफ द मुराल से मेरी मुराद है कि जब क्लाइंट्स हमारे पास थेरेपी में आते हैं तो वो कई दफ़ा दे कम विद वेरी लो सेल्फ कॉन्फिडेंस दे कम विद वेरी लो सेल्फ़ स्टीम यू नो दे आर डिसंटेड दे फील रिजेक्टेड बाय, यू नो बाय थिंग्स अराउंड देम दे फील समटाइम्स दे हैव अ सेंस ऑफ फेलियर तो आपको एक उनको उस उस होल में वो कुएँ में या वो जहाँ पर वो अपने आप को महसूस करते हैं उसमें से निकाल के आपको उनका मुराल बूस्ट करना होता है सो इन अदर वर्ड्स यू हैव टू पुल दम आउट ऑफ द यू नो द होल देर एन एंड एंड हैल्प दम सी देट दर अफ होप सो यू सो ये जो रे ऑफ होप वाली बात है ये बेसिकली मुराल बूस्टिंग की बात है क्योंकि जब तक यू नो यू नो अनस योर क्लाइंट फीज That there is a possibility of of growth there is a possibility of improvement you know so therefore uska jo moral boost karna hai ye therapies mein ek a common element hai. regardless of whether you are a behaviorist you know a psychoanalyst a, a client centered therapist a gestalt therapist you know kuch bhi orientation or background ho, टी मच आप इस चीज़ को जरूर जेन में रखेंगे दैट आई नीड टू गिव होप टू माई क्लाइंट आई नीड टू यू नो ब्रिंग एम आउट ऑफ द होल दैट ही इज इन इसी तरह एक जो तीसरा बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है विच इज अगेन कॉमन टू ऑल साइकोथेरापीज वो है रिलीज ऑफ इमोशन तो रिलीज ऑफ इमोशन क्या होती है हमारे अपने अंदर कई दफ़ा ऐसे इमोशनल कंसर्नस होते हैं यू you नो know, जिन जिनको डील करना बड़ा जरूरी होता है और यू नो इमोशनल कंसर्न्स पे जब हम काम करवाते हैं अपने क्लाइंट्स को या उनके साथ काम करते हैं तो उसमें यू नो दे आर एबल टू एक्सपीरियंस दैट इमोशन इन हाइट एंड फॉर्म और वो जो हाइट एंड फॉर्म है वो कई दफ़ा यू नो इफ़ वी आर डीलिंग विद सैडनेस इफ़ वी आर डीलिंग विद बेवमेंट इफ वी आर डीलिंग विद लॉस यू नो इन इन लाइफ ऑफ आर क्लाइंट तो हो सकता है जब वो हाइटन होता है लॉस वो सेंस ऑफ बेरीवमेंट वो सेंस ऑफ यू नो सैडनेस जब हाइटन होती है तो वो फिर अपने आप अपना इजहार भी करती है अपने आप को एक्सप्रेस भी करती है वो रोने की शक्ल में कई दफ़ा एक्सप्रेस करती है वो वेटाइज की शक्ल में यू you नो know, अपने आप को एक्सप्रेस करती है तो आई मीन डीज आर आर सम फॉर्म जिसमें वो जो रिलीज ऑफ फीलिंग और इमोशन है वो अपना आपको अपना इजहार करती है तो इसी तरह अगर कोई और इमोशन है या गुस्से की इमोशन है तो हो सकता है ग़ुस्से की फॉर्म में भी अपना इजहार करें तो उसको आप एक हद तक यू अलाउ दैट टू हैपन बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द हीलिंग टू टेक प्लेस द रिलीज ऑफ दैट इमोशन और फीलिंग जो जिसकी वजह से गुंजल पड़ा हुआ है या जिसकी वजह से यू you नो know, एक स्टेल सी पैदा हुई हुई यहाँ पे क्लाइंट के ज़िंदगी में उसमें से उसको खोलना और उसमें से निकालने के लिए उसकी रिलीज भी इम्पॉर्टेंट है तो इनवेबली वी इनकरेज दैट रिलीज ऑफ इमोशन इसी तरह एक और जो एलिमेंट जो कॉमन है वो एलिमेंट है रैशनैल का रैशनैल से मुराद है कि हर चीज़ हर बिहेवियर हर चीज़ जो क्लाइंट को बताई जाए उसके पीछे कोई ना कोई वजह होनी चाहिए देर हैज टू बी अ रीज़न तो रीजनिंग जो है यू you नो know, हर चीज की वो डेवेलप की जाती है हर मोडलिटी में हर थेरेपी में क्लाइंट्स को ये नहीं कहा जाता कि आप ये करो बत, वजह बताई जाती है कि ये क्यों करो क्योंकि लेक्चरिंग अब जिस तरह आपने देखा होगा कि मैं अब आप आपको इस वक्त लेक्चर दे रहा हूं तो ये जो लेक्चर है ये ये थेरेपी नहीं है ये लेक्चर है थेरेपी में हर चीज़ जो हर बात जो की जाती है उसके पीछे रीजनिंग होती है और वो रीज़न शेयर किए जाते हैं और क्लाइंट को बताया जाता है कि व्हाई डू आई व्हाई एम आई सेइंग व्हाट आई एम सेइंग सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली गिविंग यू नो मूविंग विद रीजन व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट यू नो टू गिव रैशनल फॉर वट नो वट वी से ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है that the client is able to understand where, I, where am I coming from, why have I suggested a certain thing. So this reasoning therapy regardless of what kind of a therapy it is, it is, it has to be based on a rationale and reasoning. This another thing common in all psychotherapies active listening and sharing and talking of therapist with the client. कुछ मोडलिटीज़ ऐसी हैं जिसमें मे बी टॉकिंग जो है बहुत ज़्यादा होती है और कुछ मोडलिटीज़ ऐसी हैं थेरेपी की कि जिसमें लिसनिंग रिलेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा होती हो ये फ़र्क ज़रूर है बट आई थिंक एक कॉमन चीज़ जो है कि एक्टिव टॉकिंग एंड एक्टिव लिस्टिंग लिस्टिंग जो है वो मैं दोबारा आपको बताना चलूँ एक दफ़ा मैंने पहले भी बताया था कि दो किस्म की होती है दिस इंटरपर्सनल लिसनिंग कि आप अगली की बात को सुन रहे हैं और देर इज अंट्रोपर्सन लिसनिंग कि आप अपने अंदर का डायलॉग अपने अंदर की फिल्म जो है उसको भी सुन रहे हैं तो ये भी एक कॉमन डिनोमिनेटर है सब मोडलिटीज़ में इसी तरह एक आखिरी जो कॉमन डिनोमिनेटर जिसको जिसका मैं जिक्र आज करना चाहूँगा आपसे वो सजेशन का है सब थेरेपीज़ में देर आर दैट आर गिवन टू द क्लाइंट माइंड यू कुछ थेरेपीज है जिनमें बड़ी डायरेक्ट सजेशन दी जाती हैं कि आप ऐसे करो आई मीन दैट इज डायरेक्टेड बिहेवियर दैट इज अ डायरेक्ट सजेशन कुछ थेरेपीज ऐसी है जिसमें कि आप एक्सपीरियंसेस से गुजारते हैं आप एक्सपीरियंसेस सजेस्ट करते हैं आप सिचुएशन सजेस्ट करते हैं और फिर क्लाइंट को कहते हैं कि इसको ट्राई आउट करके देखो जब वो ट्राई आउट करता है तो आप वो जो उससे जो वो एक सबक सीखता है उस एक्सपीरियंस से उस सबक बेसिस पे यू you नो know, आप कहते हैं कि चीज़ को अगर तुम्हें लगे कि ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल साबित हुआ है तो देन यू मे बी कैन डू इट अगेन यू कैन जनरलाइज़ इट इन अदर सिचुएशंस यू कैन यूज़ इट टू हेल्प योरसेल्फ लेकिन अगर आपको लगे कि जो एक्सपीरियंस में से आप गुजरे हैं वो आपके लिए इतना करामद नहीं था तो देन मे बी यू नीड टू यू नो गो मूव इन टू एक्सपीरियंस सो देर आई मीन सजेशन जो है वो दैट हैज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन ऑल मोडलिटीज ऑफ थेरेपी बट ऑफ़ कोर्स हाउ डैट सजेशन इज गिवन टू योर क्लाइंट उसमें कुछ फाइन ट्यूनिंग उसमें कुछ वेरिएशन आपको मुख्तु मोडलिटीज में मिलेगी अब मैं बात करनी चाहूँगा टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपी की साइकोथेरेपीज़ जो हैं अगर आप लिटरेचर देखें या अगर आप इंटरनेट पर जाए फिर वो कई दफ़ा मैं भी बड़ा हैरान होता हूँ जब मैं इंटरनेट पे जाता हूँ मैं देखता हूँ इंटरनेट पे लिखा हुआ आ जाता है कि देयर आर टू हंड्रेड एंड फिफ्टी डिफरेंट साइको आई मीन मैं एज ए थेरापिस्ट पिछले तीस साल से इस फील्ड में हूँ बल्कि पैंतीस साल से मैं खुद हैरान हो जाता तो, हूँ अच्छा ढाई सौ हो गई है लेकिन माइंड यू जब लिटरेचर में आपको ये लिखा हुआ नजर आता है ना कि ढाई सौ थेरेपीज़ है तो वो ढाई सौ डिफरेंट यू नो टेक्निक्स ऑफ़ इंटरवेंशन है दे नॉट फुल यू नो फुल ब्लोन साइकोथेरेपी साइकोथेरेपीज़ साइको थेरेपीज़ या नॉट फुल ब्लोन मोर्डेलिटीज ऑफ थेरेपी विच हैव ओन थीज ऑफ पर्सनैलिटी सो मेन स्ट्रीम में जो है वो आपको थोड़ी ही थेरेपीज नज़र आती हैं लेकिन वैसे इन टर्म्स ऑफ यू नो इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज ढाई सौ के करीब अब लिस्ट बन गई हुई है तो मेन स्ट्रीम थेरेपीज जो हैं जिनको हम ज़्यादा पॉपुलर थेरेपीज भी कहते हैं उनमें पाँच छः की मैं थोड़ी सी ब्रीफली इस जंक्चर पर आपसे बात करनी चाहूँगा उनमें सबसे पहली जो मेन स्ट्रीम थेरेपी है वो साइको थेरेपी है साइको थेरेपी जैसे मैंने पहले भी एक दफ़ा आपसे जिक्र किया था और आपको पता होगा साइकोडायनेमिक थेरेपी वो है विच इज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ फ्रॉइड साइकोनालिस पे एंड देन न्यू फ्राॅडियंस और फिर उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई उस फील्ड में उस पर जो बेस्ड काम होता है जिसमें फ्री एसोसिएशन का इस्तेमाल यू नो जिसमें ड्रीम इंटरप्रटेशन का इस्तेमाल जिसमें सब कॉन्शियस माइंड पे को प्रोव करने का काम जिसमें ईड ईगो सुपर ईगो के फंक्शंस को देखने का आई I मीन mean, वो साइको डाइनामिक अप्रोच कहलाती है हम बाद में इसकी इसमें डिटेल में भी किसी लेक्चर में बात करेंगे लेकिन आज के लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ जिन में ये रखें कि साइको डाइनामिक जो थेरेपी है दैर्स अ वेरी यू नो दैस अ वेरी मेन स्ट्रीम दैर्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थेरेपी इसी तरह जो दूसरी जो अप्रोच जिसका आज कल बहुत जिक्र होता है वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है ह्यूमनिस्टिक तो अप्रोच जो हैं उसमें आपने कार रॉजस का नाम यू you नो know, भी, भी पढ़ा होगा मैंने भी इसका ब्रीफली जिक्र किया है और भी इस तरह की यू नो ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेज़ हैं इसी तरह यू you नो know, कुछ एग्जिस्टेंशलिस्ट अप्रोचेज़ हैं और कुछ ह्यूमनिस्टिक और एग्जिटेंशलिस्ट मिक्सड अप्रोचेज हैं जिसमें ख़ास तौर पर एक जिसका मैं जिक्र किसी लेटेस्ट लेक्चर में डिटेल में करूँगा वो गेस्टॉल थेरेपी है गस्टॉल थेरेपी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग मोडालिटी है और क्योंकि मेरी अपनी भी ट्रेनिंग गिस्टॉल थेरेपी में भी है तो मैं इसका भी जिक्र किसी और लेक्चर में डिटेल में आपके साथ करूँगा इसी तरह भी तीसरी एक मेन स्ट्रीम जो मोडालिटी है वो बिहेवियर थेरेपी है बिहेवियर थेरेपी जो है ये नो इसमें भी बहुत ओवर द इयर्स काम हुआ है और बहुत डेवलपमेंट हुई है और देखने में यही आ रहा है कि बेशुमार ऐसे एरियाज़ जहाँ पे शॉर्ट टर्म थेरेपी की ज़रूरत है यू you नो know, या जहाँ पे ख़ास तौर तो पर बिहेवियर्स पे काम करने की ज़रूरत है तो वहाँ पे बिहेवियर थेरेपी जो है इट्स अ वेरी इफ़ेक्टिव टूल टू वर्क विद यू नो विद क्लाइंट्स, और बल्कि मैं यहाँ पे ये भी आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका क्लाइंट जो है वो यू नो इज़ लेट मेंटली रिटायर्ड यू नो एडल्ट और अ चाइल्ड याडी सफरिंग फ्राम यू नो मेजर साइकट्रिकलनेस या साज में से गुजरा है तो वहाँ पर बिहेवियर थेरेपी जो है वो बड़ी हेल्पफुलती है क्योंकि वहाँ पर आप यू uh, नो you know, साइकोडाइनमिक अप्रोचेज या गस्टॉल्ट अप्रोचेज या और कॉग्नेटिव अप्रोचेज जो है एक इलेक्ट्रिक अप्रोचेज इस्तेमाल नहीं कर सकते वहाँ पर आपको क्योंकि एक एक, एक स्पेसिफिक बिहेवियर के लेवल पर काम करने की ज़रूरत होती है तो बिहेवियर थेरेपी हेज़ अ वेरी वेरी यू नो इफेक्टिव यूज एंड एंड रोल प्ले इन दो सचुएश इसी तरह चौथी जो मेन स्ट्रीम मोडलिटी है उसको हम कॉगनेटिव थेरेपी का नाम देते हैं काग्नेटिव थेरेपी जो है ये बेसिकली बिलीफ सिस्टम्स पर वर्क करती है ये कागनीशंस पे वर्क इससे किया जाता है इससे हम क्लाइंट की एटीट्यूड्स को यू you नो know, उसके रवैयों में उसके सोचने के अंदाज में उसके बिलीफ सिस्टम में उसकी काग्नेटिव मैपिंग में हम चेंज लाने की कोशिश करते हैं एंड थ्रू एंड थ्रू यू नो थ्रू दिस चेंज दैट इज़ ब्रॉट एट अ अग्निटिव लेवल वी आर एबल टू हेल्प पीपल ऑफ सॉट आउट इशूज एंड प्रॉब्लम्स इसी तरह एक पाँचवीं जो मोडलिटी है उसको हम इक्लेक्ट्रिक अप्रोच का नाम देते हैं जिसका मैंने पहले जिक्र किया ये जो इक्ट्रिक अप्रोच है ये एक किस्म का आप कह लीजिए कम्बिनेशन ऑफ यू नो ऑल अप्रोच आप कह लीजिए है या मे भी इन अप्रोच से बीड भी कई टेक्नीक और स्ट्रैटीज़ जो मुख्तु अप्रोचेज की होती हैं उनको भी इंकॉर्प्रेट किया जाता है बल्कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे कैरी आउट हुआ था अमेरिका में जिसमें उन्होंने ये देखा कि फोर्टी परसेंट ऑफ दू नो ऑफ द थेरापस्ट जो हैं वो एक हैं अपनी अप्रोच में तो ये एक्कटिक होने से मुराद यही है कि अगर आपको ये लगता है कि बिहेवरली थोड़ा काम करने की ज़रूरत है ऑन ऑन स्पेसिफिक इशू विद योर क्लाइंट दैन यू यूज़ बिहेवरल स्ट्रेटजी अगर आपको ये लगता है कि कोई ड्रीम वर्क करने की ज़रूरत है आप आपको अपने क्लाइंट के साथ सो यू यूज अगेस्टऑल्ट अप्रोच विद योर क्लाइंट अगर आपको ये लगता है कि कोई एटीट्यूडल you लेवल know, पे काम करने की ज़रूरत है तो आप मे बी कॉमेटिव बिहेवियर थेरेपी या यू नो कोई कोटिव थेरेपी या रैशनल इमोटिव थेरेपी को इस्तेमाल कर सकते हैं तो बेसिकली इकलेक्ट्रिक अप्रोच से मुराद यही है कि पीपल हु यूज एक अप्रोच दे डू नॉट एडहीयर टू जस्ट ओनली वन प्राइमरी मोडालिटी बल्कि दे ओपन दैमसेल्स टू वर्किंग एंड यूजिंग टेक्निक्स बोर्ड फ्राम अदर मोडलिटीज़ एज वेर इस जमचर पर मैं एक और क्लास ऑफ थेरेपीज़ का भी जिक्र करना चाहूँगा ये वो क्लास ऑफ थेरेपीज़ है जिसको हम कई दफ़ा फैमिली थेरेपी का नाम देते हैं कई दफ़ा कपल्स काउंसलिंग या कपल्स थेरेपी का नाम देते हैं और कई दफ़ा ग्रुप थेरेपी का नाम देते हैं ये जो ग्रुप थेरेपी या फैमिली थेरेपी या कपल्स काउंसलिंग है इसमें बेसिकली जिस यू नो देश्स फैमिली थेरेपी जो है यू you नो know, इसमें पूरे फैमिली के साथ काम किया जाता है सो so, इसमें हम फोकस सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल पे नहीं करते बल्कि पूरे फैमिली सिस्टम पे करते हैं हम पूरे फैमिली डायनामिक्स के लेवल पे काम करके फैमिलीज़ को हेल्प करते हैं दैट दे आर एबल टू रिलेट बेटर दे आर एबल टू कम्युनिकेट बेटर विद एम क्योंकि इनकी जो कम्युनिकेशन के इशूज़ हैं इनके जो रिलेशनशिप के इशूज़ हैं इनके अंदर जो पावर डायनामिक्स कई दफ़ा पावर ईशूज़ चल रहे होते हैं उनको आइडेंटिफाई करके यू नो वी वर्क ऑन दैम तो यू नो दिस इज़ अनदर वेरी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इसी तरह कप्स काउंसलिंग जो है उसमें हम कप्स की इशूज़ पर डील करते हैं तीसरी जो मैंने जिसका जिक्र किया था फॉर्म वो थी ग्रुप थेरेपी की ग्रुप थेरेपी बेसिकली इज़ ए थेरेपी जो एक ग्रुप की सूरत में की जाती है ग्रुप इशूज़ पर काम किया जाता है और ये जो इशूज़ हैं ये स्पेसिफिकली इनकी एक थीम होती है कई दफ़ा ये एंगजाइटी रिलेटेड इशूज़ प्रॉब्लम्स को डील करती है कई दफ़ा ये जो ग्रुप्स होते हैं ये यू नो कपल्स के ग्रुप्स होते हैं कि वो अपने इशूज़ डील करते हैं कई दफ़ा ये यू नो इमोशनल ग्रोथ ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे इमोशनल ग्रोथ की कंसर्नस पे काम होता है तो ये बेसिकली यू नो ये तीन किस्म की इन थेरापीज़ का भी मैं चाह रहा था कि जिक्र हो जाए अब मैं थोड़ी सी बात करनी चाहूँगा कि ये जो जो रिसर्च जो हमारे फील्ड में ओवर द इयर्स हुई हैं उनसे कई चीज़ें सामने आई हैं जिनमें से कुछ चीज़ों को मैं आज आइडेंटिफाई आपके साथ शेयर करना चाहूँगा एक चीज़ जो रिसर्चिस बड़ी क्लियरली सपोर्ट करती हैं वो ये है कि साइकोथेरेपी जो है इट इज़ इफेक्टिव इन हेल्पिंग पीपल एज अपोज टू पीपल नॉट बीट जैसे हम कई दफ़ा बात नहीं करते जी अब मैं अपने दोस्त से बात करके तो अपने मसले को हल कर लेता हूँ तो ये जो इनफॉर्मल गुफ्तु है दोस्त के साथ वो उतनी इफेक्टिव डेफिनेटली नहीं है जितनी कि फॉर्मल एक यू नो प्रोसेस जो थेरेपी का है तो ऑल द इज प्री मच सपोर्ट दिस तो एक चीज़ ये बड़ी वाजे हो गई कि थेरेपी जो है इट हैज़ इट्स वैल्यू नो इट इज़ इफेक्टिव इट डज़ हेल्प पीपल टू वर्क थ्रू देर इशूज एंड कंसर्नस और जब वैन दे आर एबल टू वर्क थ्रू दर इशूज एंड कंसर्न्स, तो ऑबियसली इट हेल्प्स देम टू मूव टूवर्ड्स अ मोर सेटिसफाइंग लाइफ टू वर्ड्स फुलफिलमेंट एंड टूवर्ड्स अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इसी तरह रिसर्च जो है वो ये भी इसमें करता है कि जो थेरेपी है उसका एक प्रोसेस है और जो प्रोसेस है उसका भी एक डेफिनेट अमल है यू you थेरेपी know, की इफेक्टिवनेस में इसी तरह हमें रिसर्च से ये भी पता चलता है कि इसके अलावा यू नो कुछ ऐसे भी वेरिएबल्स या करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम थेरेपिस्ट की करेक्टरिस्ट कहते हैं नो जिस तरह वम्प है एम्पथी है अंडरस्टैंडिंग है ये वो फीचर्स हैं डेफिनेट यू नो एक इम्पैक्ट you know, जो है वो पड़ता है में। इसी तरह ये भी चीज़ हमें रिसर्च से मिलती है बड़ी वाली होती है कि हर थेरेपी हर प्रॉब्लम के लिए इफेक्टिव नहीं तो देव फॉर फॉर्चुनेटली इन टूडेज टाइम डेन एज हमें यह पता है कि कौन सी प्रॉब्लम के लिए कौन सी मोडालिटी जो है वो ज़्यादा हेल्पफुल होगी तो इससे क्या होता है कि इससे तो आप डायरेक्टली गो एंड सीक दैट काइंड ऑफ थेरेपी एंड हेल्प इसी तरह ये भी हम हमारे सामने चीज़ आती है कि प्रोसेस ऑफ थेरेपी है इसमें कुछ क्लाइंट के भी अपने यूनो करेक्टरिस्टिक्स हैं वेरिएबल्स हैं जो एक इम्पोर्टेंट रोल पे करते हैं उसमें हमें हर रिसर्चेज बताती हैं कि क्लाइंट क्लाइंट जो है इफ़ द इज ओपन किस से भी उदाद है वो भी यही है कि अगर जो क्लाइंट जो है वो वो टंग से थेरेपी में एंटर नहीं होता बल्कि एक ओपन माइंडेड है और एक खुले जेन से थेरेपी में आता है और वो ये अपने आप को मौका देता है कि यस आई एम गोइंग टू गिव इट अ हंड्रेड परसेंट ऑफ माई सेल्फ एंड आई ट्राई टू यू नो लर्न फ्राम इट तो इट इज़ यू नो इट डेफिनेटली डज हेल्प द क्लाइंट तो ये कुछ मोटी मोटी ऐसी बातें थी जो रिसर्च मुख्त रिसर्च जो हैं उन उनसे हमें मिलती हैं और भी बेशुमार चीज़ें हैं जो कि जब आप अपनी किताब पढ़ेंगे और हैंड आउट पढ़ेंगे उसमें आपको और भी आइडियाज़ नज़र आएंगे लेकिन आज का जो लेक्चर है उसको मैं इसी के साथ यू नो आई वुड ब्रिंग इट टू एन एंड इनशा फिर आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी खुदा हाफिज